दोस्तों, जानवरों का डर इंसानों को ही नहीं बल्कि उन जानवरों को भी होता है जिन जानवरों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। और आज हम आपके लिए दुनिया में मौजूद कई ऐसे ही जानवर लेकर आए हैं जो दूसरे जानवरों को देखते ही उन पर जानलेवा हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देख आप जान पाएंगे दुनिया के उन जानवरों को जो जानवर कभी भी अपने विरोधी जानवरों से मिलने के लिए राजी नहीं होते हैं। मानो उन जानवरों का एक दूसरे के सामने आना एक जंग का आगाज होता है। सांप और नेवला। हमने बचपन से ही सांप और नेवले की इतनी कहानियों के बारे में सुना है जहां ना तो सांप द्वारा नेवले को पसंद किया जाता है और ना नेवले द्वारा सांप को। ये दोनों जीव असल जिंदगी में एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि जब भी वो एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक दूसरे पर जानलेवा हमला करना उनका पहला काम होता है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति सांपों को पालता है वो कभी नेवलों को पालने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और वही नेवलों को पालने वाले व्यक्ति सांपों से अधिकतर दूरी ही बनाकर रखते हैं क्योंकि इन जानवरों से इंसानों में आने वाली खुशबू के चलते कभी कभी इनका आक्रामक गुस्सा इंसानों पर भी निकल जाता है। हिप्पोज और मगरमच्छ। पानी और जमीन दोनों पर चलने वाले ये दोनों जीव असल में अपने खौफनाक कारनामों और अपने खतरनाक अंदाज के चलते काफी मशहूर बताए जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जहां मगरमच्छ पानी के नजदीक किसी भी जानवर या फिर इंसान को निगल जाने के लिए मशहूर बताए जाते हैं, वहीं हिप्पोज पानी की उसी सतह पर रहते हैं जहां मगरमच्छ अपना खाना ढूंढने के लिए आते हैं। तो इन दोनों जानवरों के बीच अपनी जगह को लेकर हमेशा ही काफी भयानक जंगें होती रहती हैं, जिन जंगों में जीत कभी हिप्पीज की होती है तो कभी मगरमच्छों की। लेकिन दोस्तों, इन दोनों की लड़ाई के बीच में सबसे फायदे की बात तो यह है कि कभी कभी इन दोनों की लड़ाई के चलते मासूम हिरण और इंसान दोनों इनकी चपेट में आने से बच जाते हैं। लायंस और हाइनस। जंगल का राजा शेर, जिसके शायद ही जंगल में किसी और जानवर से अच्छे ताल्लुकात होंगे क्योंकि जंगल के ज्यादातर जानवर शेर से अक्सर दूर ही बनाकर रखना पसंद करते हैं। और उस दूरी का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है शेर का वो नरभक्षी अंदाज जो अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर को पल भर में खा जाने के लिए काफी मशहूर है। लेकिन वही जंगल में पाए जाने वाले लकड़बग्घे जो कि शेर को भी अपने खाने के लिए चुनौती देने से नहीं कतराते हैं। जी हाँ दोस्तों, लकड़बग्घों को शेर को मात देने वाला या फिर उसे बराबर की टक्कर देने वाला वो जानवर माना जाता है जो शेर की नाक में दम कर देता है। और यही कारण है कि दोनों जानवर कभी भी आमने सामने बिना लड़े नहीं रहते। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पतला सा लकड़बग्घा एक शेर को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। तो असल में ये सारा काम लकड़बग्घों के बीच में मौजूद यूनिटी से होता है। वो सभी हमेशा से ग्रुप्स में ही रहते हैं ताकि वो जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सके। और यही कारण है कि जंगल के शेर भी इनसे लड़ाई मोल नहीं लेना चाहते। डॉग एंड कैट्स। इन्हों के लड़ने झगड़ने के किस्से हमने बचपन से सुने ही नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखे भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये दोनों जानवर कभी भी आपस में मिलजुल कर क्यों नहीं रहते? तो असल में बात कुछ ऐसी है कि ज्यादातर लोग कुत्तों को पालते हैं ताकि वो उनके घर का ध्यान रख सकें। वहीं बिल्ली घरों में चोरी छुपे घुसने के लिए काफी मशहूर बताई जाती है। लेकिन क्योंकि कुत्ते उन घरों की हिफाजत कर रहे होते हैं, इसलिए उन दोनों के बीच में झगड़ा होना एक आम बात है। और यही कारण है कि हम ज्यादातर कुत्ते बिल्लियों को लड़ते झगड़ते ही देखते हैं। दोस्तों, आपका पसंदीदा पालतू जानवर कौन सा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।